हेलो 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 सर। हेलो सर। ओके, गुड गुड मॉर्निंग सर। हेलो मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सो दिस इज फर्स्ट क्लास इन न्यू ईयर। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सेम टू हैप्पी यू न्यू सर। ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी सर। न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक हैप्पी न्यू ईयर सर। यू। सेम टू यू सर। थैंक यू। सो वी वेर डिस्कसिंग अबाउट सो वील शेयर स्क्रीन एंड सो इज दिस स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके यस सर। ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे बताओ? लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, सर पैरेलल बेंच वाइज किए थे सर। सर क्या पैरेलल बेंच वाइज सर। बेंच? फिटिंग्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का पढ़ा रहे थे। ओके। फिटिंग का इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेशन तो हो गया है ना? डिफरेंट कोई आ रहा है जा रहा है। ऑपरेशन हो गया था ना? हेलो हेलो। यस सर। यस सर। नेक्स्ट हमारा वाइस वाइस पढ़ा। हो रहा था ना? यस सर। ओके। सो इन फिटिंग्स ऑफ यू विल सी देर आर डिफरेंट टूल्स देयर। ओके। एंड दीज टूल्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस राइट। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट दी वाइस राइट। सो वाइस इज यूज फॉर सिंपली होल्डिंग वर्क। ओके। वर्क पीस जो है वहाँ पे इफ यू गो टू फिटिंग शॉप यू विल बी गिवेन जॉब। ओके। रॉ मटेरियल विल बी गिवेन टू यू एंड यू हैव टू फर्स्ट यू विल डू सम ऑपरेशंस लाइक मार्किंग फाइलिंग। ओके। फॉर दैट और कटिंग और पंचिंग। सो दीज ऑपरेशंस यू नीड टू परफॉर्म बिफोर द एक्चुअल ऑपरेशंस। ओके। और मशीनिंग। सो फॉर दैट यू नीड टू होल्ड दैट जॉब पीस ऑन द वाइस राइट। सो वाइस इज सिंपली अ टूल विच इज यूज फॉर होल्डिंग वर्क पीस राइट। सो दिस इज यूज फॉर दिस वाइस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट ऑपरेशंस। ओके। परफॉर्म देयर और डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स देयर। ओके। सो विल समराइज और विल डिस्कस अ नंबर ऑफ वाइसेस। ओके। देयर एंड दीज वाइसेस आर यू सी फर्स्ट वन इज पैरेलल जॉब बेंच वाइस। अनदर इज लेग वाइस। अनदर इज हैंड वाइस। देन पाइप वाइस पिन वाइस एंड टूल मेकर वाइस। सो दीज आर दी डिफरेंट टाइप ऑफ वाइस विच आर यूज फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। पर्पसेस मीन्स डिफरेंट पर्पसेस मीन्स देयर विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क पीस। ओके। एंड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क पीस वी हैव टू चूज द वाइस एंड वी कैन होल्ड दैट वर्क पीस ऑन दैट प्रॉपर वाइस ओनली राइट। तो फर्स्ट
will see the parallel jaw bench vise, right? So you see in the figure, this is parallel bench vise, okay? ठीक है. Here, have you seen anywhere the vise? Vise. Have you seen? Have you been to a workshop? Mechanical workshop? No, sir. Yes, sir. No. Yes, sir. ओके देखो लड़की यस सर लड़की हो क्या बोल रही है तुम लोग बोल रहे हो नो व्हाट इज द देखो कैसा स्थिति है घर में कुछ काम किया करो ये सारे काम गार्जियन ही करेगा इफ यू डू सम वर्क देन तुम लोग को ये सब तो करना पड़ेगा कहीं पे मैकेनिकल वर्कशॉप में जाना पड़ेगा सर घर में ये मशीन कहाँ है वर्कशॉप अरे वर्कशॉप में जाओगे काम कराने वहाँ पे जाओगे तब ना अब सब पापा ही करेंगे तो कैसे काम चलेगा हाँ कभी जरूरत पड़ा तो आई मीन टू से और तुम फिर अब नहीं कभी जैसे अब मन लग गया तो चलो भाई मशीन है तो वहाँ घुस जाते हैं वर्कशॉप में यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ मीन्स टूल्स और मशीन देयर ठीक है देख सकते हो ये तो क्यूरियसिटी है इसके लिए तो कोई ये नहीं होता है There will be no coaching, there will be no book, or there will be no instruction from any side. This is just curiosity. Curiosity होगा तो तुम तो कहीं भी जा सकते हो. Anyway, so this is parallel jaw, bench vise, right? You see, there are different parts here. Okay. You see, this is the base, right? Here, this is base. This is fixed on the table, right? Bench. On this base, there is this is a fixed body. This is also fixed. Here, you see, there are two jaws here. One is this. This one is sliding. Okay. And this is stationary. This one is stationary. So, this sliding jaw will slide in this direction or in this direction, right? With the help of this screw, right? यहाँ पे इसको fix किया रहता है. And this part is also called slide. It will go outward. इधर जाएगा, इधर आएगा. सो ये यदि स्लाइडिंग जो अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली द गैप विल बी मिनिमम हेयर इफ इट कम्स दिस वर्ड द गैप विल बी मोर देयर मीन्स एंड इन दिस गैप यू होल्ड द यू कीप द वर्क पीस एंड देन टाइट इट ओके एंड देन यू कैन परफॉर्म योर जॉब राइट सो द half cross-sectional part of this bench vise parallel jaw bench vise is like this right as I have told you that this is a stationary jaw means this is fixed okay this one is body obviously this is sliding jaw this is movable ye iske sath connected rehta hai right ये जो स्क्रू है इसके साथ कनेक्टेड रहता है ये नट है ठीक है तो इफ यू विद द हेल्प ऑफ हैंडल इफ यू रोटेट दिस हैंडल ओके तो क्या होगा इट मे गो इनवर्ड और इट मे कम आउटवर्ड राइट तो उसके चलते इसमें मूवमेंट होगा राइट ये थ्रेड है यहाँ पे एक्सटर्नल थ्रेड है इसमें इंटरनल थ्रेड है तो ये अंदर बाहर करेगा और उसी के अनुसार ये भी अंदर जाएगा या बाहर ये आएगा तो ये बाहर आएगा तो ये स्पेस ज़्यादा होगा दैट मीन्स यू कैन होल्ड अ थिक यू कैन होल्ड अ थिक वर्क पीस ठीक है पतला होगा तो इसको इधर ले आना पड़ेगा राइट एंड देन यू कैन ऑब्वियसली परफॉर्म दैट वर्क And the term parallel comes here because the jaws
यू सी हियर दीज आर पैरेलल्स ओके ठीक है. सो दिस इज द सेम थिंग मीन्स यू सी द सेम थिंग हियर इट इज द मोस्ट कॉमन बाइस ओके यूज इन फिटिंग शॉप एंड दिस इज कॉल्ड पैरेलल जॉ बाइस. इट कंसिस्ट ऑफ अ कास्ट स्टील बॉडी एक स्टील बॉडी होता है इसका. सर समवन इज वेटिंग ठीक तो है. एक के लिए हमको 70 को डिस्टर्ब करना पड़ेगा. एक मिनट खाऊंगा सबका 70 मिनट हो जाएगा बट ही कैनॉट कम ऑन टाइम. मेनी टाइम आई हैव रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ यू दैट कम ऑन टाइम बट आदत से मजबूर हैं हम क्या कर सकते हैं. एंड फ्रॉम द बिगिनिंग आदत से मजबूर हो जाओगे तो पूरा जिंदगी मजबूरी में बीत जाएगा ठीक है. दिस इज जस्ट हैबिट. यू ट्राई टू लीव ऑल द बैड हैबिट्स. दिस स्कूलिंग और टेकिंग एडमिशन इन कॉलेज इज जस्ट ट्रेनिंग. यहाँ पे एक ट्रेनिंग ही होता है. मतलब यू वाट एवर यू सी वाट एवर यू लर्न हियर वाट एवर यू फील how behave you with your friends, senior, junior, teachers. This is all time, these are training. And if you succeed here, then obviously you'll succeed in your life. Otherwise, अभी से ही आदत से मजबूर हो जाओगे and अभी से ही बहाना बनाना शुरू कर दोगे कि ये हुआ वो हुआ सर then वहीं जिंदगी भर वहीं चलेगा. पेरेंट्स से भी बहाना बच्चे से भी बहाना बीवी से भी बहाना ठीक है. फिर कोई आ गया देखो. सो लिसन माय डियर स्टूडेंट्स वन थिंग दिस इज 10:21 ओके. सो from the next class I will not be going to allow you after 10 minutes 10 ke baad I will not allow anybody. So it's better to keep you away right. theek hai okay sir adarsh tum theek hai na yes sir क्योंकि मैंने कमिंग इन गोइंग आउट ये सब डिस्टर्बेंस मतलब दैट विल टेक टाइम दैट विल किल टाइम जस्ट. तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि यू दैट 10 मिनट्स विल बी अलाउड आफ्टर दैट आई विल नॉट अलाउ एनीबॉडी ओके थैंक यू. And it consists of movable jaw, fixed jaw, okay. Both are made of cast steel. Handle is there, okay. This handle is there. Threaded screw is there. Handle is there. Threaded screw is there here, okay. And then knot is there. This is knot, okay. A separate cast steel plates known as jaw plates with teeth are fixed to jaw by means of set of screw. यहाँ पे तुम्हारा jaw piece रहता है jaw में. These jaw are provided with teeth. Teeth इसलिए रहता है कि वहाँ पे कोई भी jaw को तुम रखोगे तो उसको grip कर लेगा right. नहीं तो smooth रहेगा तो वहाँ पे gripping नहीं होगा and you cannot hold that jaw because you have to perform some operations there. So for that you need to hold that workpiece firmly so that it cannot slide or it cannot matlab idhar udhar nahi jana chahiye usko theek hai. So the movement of the vice is caused by screw which passes through not fixed under the movable jaw. So obviously there is screw here एंड ये जॉब का जो मूवमेंट है ये हैंडल और स्क्रू और नट के थ्रू होता है. इफ़ यू हैंडल को तुम घुमाओगे तो
ये अंदर जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द हैंडल, राइट. द स्क्रू इज प्रोवाइडेड विथ अ कलर इनसाइड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग इन आउट एंड हैंडल एट द अदर एंड. यहाँ पे कॉलर होता है, फिर एक इसी स्क्रू में एक हैंडल होता है, ठीक है. द साइज ऑफ द वाइस इज नोन बाय द विड्थ ऑफ द जॉज. तो इसका जो साइज होता है, तो जो जॉ का विड्थ होता है, उसी से इसको मैंने इस वाइस का साइज को स्पेसिफाई किया जाता है. द विड्थ ऑफ द जॉ सुटेबल फॉर कॉमन वर्क्स वेरीज फ्रॉम 8 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरेलल जॉ बेंच वाइस. नेक्स्ट वाइस इज लेग वाइस. ओके, सो दिस वाइस इज यूज्ड बाय ब्लैक स्मिथ शॉप. ठीक है, ब्लैक स्मिथ शॉप में जो लोहार का होता है वहां पे इसको यूज किया जाता है जनरली. एंड इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर हेवी हैमरिंग, चीपिंग एंड कटिंग इन द फिटर्स वर्क. ओके, द वाइस इज सिक्योर्ड टू टॉप ऑफ द बेंच बाय स्ट्रैप व्हिच इज फास्टेन्ड टू अ प्लेट बोल्टेड टू द बेंच टॉप. ओके, द लेग ऑफ द वाइस इज फास्टेन्ड टू बेंच लेग विथ स्टेपल एंड इट्स एंड फिट इन टू द होल इन द फ्लोर. ठीक है, तो यू सी दिस इज this part, this is leg vice. Here you keep the thing or the job here, and you can do hammering, chipping and cutting also, right. You see there are different parts here, strap, tripod stand, leg is there, collar is there, hinge bolt is there, lip spring is there. Okay, so this is leg vice. The function of the leg vice is similar to the parallel jaw bench vice. Okay, and that is yahan pe bhi tum maine is yahan bhi usko जॉब पीस को ही होल्ड करने के लिए इसको यूज किया जाता है. बट दैट जॉब पीस कैन बी हैमर्ड, चिप्ड एंड कट, राइट. सो इज इट क्लियर. तो ये जस्ट इस टाइप से लेग टाइप रहता है, इसीलिए इसको लेग वाइस बोलते हैं और कुछ नहीं है. ठीक है, हैंड वाइस. हैंड वाइस, तो हैंड वाइस इज यूज फॉर ग्रिपिंग स्क्रू, रिवेट, की, स्मॉल ड्रिल एंड अदर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स विच आर टू स्मॉल. दिस इज मेड इन वेरियस शेप एंड साइजेस. द लेंथ वेरीज फ्रॉम 125 टू 150 मीटर जॉ विथ फ्रॉम दिस 40 टू 44 mm. सो दिस इज हैंड वाइस. You see, these are jaws here. Okay, this is fixed, this is movable. You'll see this is a screw, the jaw is kept here, workpiece is kept in between the two jaws. Okay, you can tight with the help of this. Okay, or you can lose also that job. So this is used for small objects. Okay, gripping small objects like screw, rivet, key, small drill and other and other small objects. Okay, so here you'll see due to movement up, or if you rotate this wing nut, this, then due to that this jaw will go inside or outside, and and it will move, and you can grip the object there.
यहाँ पे पिन भी होता है, पिन होल थोड़ा सा रहता है यहाँ पे। तो कोई ऐसा जॉब है तो उसमें उसको ये कर सकते हो। दिस इज हैंड वाइज। ओके अनदर पाइप वाइज। सो यू सी दिस इज पाइप वाइज। ओके दिस इज यूज फॉर होल्डिंग द राउंड सेक्शन मेटल ट्यूब्स एंड पाइप्स ऑल्सो। ओके सो इट हैज द स्क्रू विच इज वर्टिकल। यू सी दिस इज स्क्रू विच इज वर्टिकल एंड इट हैज मूवेबल जॉ। यहाँ पे देखोगे वर्टिकल राइट, इट वर्क्स वर्टिकली। सो एंड दिस इज द अनदर जॉ, दिस इज फिक्स्ड। ओके विद द रोटेशन ऑफ दिस हैंडल द मूवेबल जॉ मूव्स इनवर्ड और आउटवर्ड। इफ इट मूव्स इनवर्ड देन द स्पेस बिटवीन मीन्स फॉर दैट मीन्स by that you can hold smaller diameter workpiece and for the larger diameter workpiece you need to move the this jaw movable jaw outward. Okay so this is pipe vise because it is used for gripping the round type sections. Okay pipes or cylinders and by that you can perform other operations. Usko you can file that pipe, you can cut that pipe. Okay so for that you use the pipe vise. Is it clear to all of you? Is it clear? Yes sir. Okay so same thing the same thing is given here. Next pin vise. So you see this is pin vise. ठीक है here the parts are this is handle, this is chuck, ठीक है and these are jaws. इस यहाँ पे तीन split part देख रहे हो, these are jaws, right? Here you keep the jaw piece or material of a smaller diameter such as wire and pin. So if you need to hold the wire or pin like structures sections then you use pin vise. Okay it is also used for handling tool for filing work. Koi yadi tool hai to usko tum ये कर सकते हो, मैंने वहां पे रख के फाइलिंग तुम कर सकते हो। इट कंसिस्ट ऑफ हैंडल एज शोन इन दिस फिगर। दिस इज हैंडल एंड टेपर्ड नोज। यहाँ पे टेपर्ड नोज रहता है कवरिंग ए स्मॉल कॉलेट चॉक। ये कॉलेट एक चॉक होता है यहाँ पे। इट्स एन एंड एंड द चॉक कैरीज जॉ विच आर ऑपरेटेड बाई टर्निंग द रोटेटिंग द हैंडल। तो ये जो जॉ है, जॉ का मूवमेंट कैसे होता है? इफ यू हैंडल मे रोटेट द हैंडल देन यू कैन ऑपरेट द जॉ। ओके मीन्स यू कैन मूव द जॉ एंड बाई विच यू कैन होल्ड द वर्क पीस। Right, so this is all about the pin vise. Right,
Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Next one is tool makers buys. ठीक है. So this vice is used for. अभी सुनाई दे रहा है? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this vice is used for holding a small work, and if that work needs filing and drilling, so jaise, and this vice is made up of mild steel. So you see, this is tool maker vice, right? You see, there are different parts here. This is base. This is fixed on the, ये जो यहाँ पे इसी के थ्रू बेंच पे इसको या कहीं पे फिक्स किया जाता है. दिस इज स्क्रू एट वन एंड देर इज हैंडल. ए हैंडल है ये, ठीक है. एंड हियर यू सी देर आर टू जॉज. ओके, वन इज स्टेशनरी. दिस इज फिक्स्ड. दिस डज नॉट, दिस इज फिक्स्ड ऑन दिस बॉडी, राइट. एंड दिस इज फिक्स्ड विथ दिस स्क्रू. सो विद द means when the screw moves inward and outward, then the sliding jaw will move. So accordingly, the movement or the need, you make movement and you can hold the, you can put the jaw piece here. Okay, and by using these tool makers vice, you can file, you can drill the workpiece, right? So this is tool maker's vice. ठीक है? Is it clear? So yes, these are different types of vice used in fitting shop to hold the different type of work. Okay. The selection of the vice depends on the nature of the or size of the job. ठीक है. And you can perform different operation there, right? So now obviously if you are given with a job piece and you are asked to make a finished product, then obviously some dimension will be given to you. Okay, so you need to measure and mark all the dimensions so that you can perform machining there, you can perform different operations there. Okay, so for that you have different measuring tools there. Okay, so there are some measuring tools used in the workshop. Okay, so these measuring tools are steel rule. You will see the steel rule will be there, measuring tape will be there, surface plate will be there, caliper, divider, tri-square, vernier height gauge, and micrometer, right? So these are the tools which are used for measuring, okay, for measurement of the dimension of the job piece, right? So we'll discuss all the tools one by one. So this is the steel rule. So सब लोग ये लोग ये देखे हैं, देखा है ना सब लोग? हाँ सर. यस सर. यस सर. स्टील का रहता है सब लोग देखा ही है. तो सो दिस इज मेजरिंग फॉर द लिनियर लेंथ. ओके, ठीक है. तो the steel rules are of different sizes in market, like 150, 300, 500, 1000 millimeter long. तो तुम अपने नीड के अनुसार, फिर कोई आ गया, अपने नीड के अनुसार तुम उसको खरीदोगे, right? The width of the length
अप टू 500, मतलब 500 mm का यदि स्टील रूल है तो उसका विड्थ होगा 18 to 22 millimeter और थिकनेस 0.4 to 0.6 millimeter होगा. इफ रूलर लेंथ इज मोर देन 500 देन द विड्थ इज 40 to 76 millimeter. ये प्रोपोर्शनल होता है राइट. एंड थिकनेस विल बी फ्रॉम 0.8 millimeter to 1 millimeter. ओके. एंड ये मेजरिंग टेप है, ये भी सब लोग देखा है तुम लोग नहीं, हाउ द मेजरिंग टेप इज. ठीक है. यस सर. और ये मेजरिंग टेप है, इससे तुम कोई भी डायमेंशन को मेजर कर सकते हो. सरफेस प्लेट. ठीक है. तो सरफेस प्लेट, ए दिस इज सरफेस प्लेट. ठीक है. ऐसे प्लेन होता है, फ्लैट होता है ये. ठीक है. ये ग्रे कास्ट आयरन से बना हुआ रहता है. ठीक है. इसका हाइट 1800 मिलीमीटर होता है फ्लोर से राइट. एंड इसका सरफेस प्लेट का, इस सरफेस प्लेट का जो डायमेंशन है, दैट डायमेंशन इज इतना डायमेंशन में अवेलेबल रहता है, 1.5 × 5 meter, 1.5 × 3 meter, 2 × 2 meter, 2 × 4 meter. ये सारे डायमेंशन में तुम्हारा सरफेस प्लेट अवेलेबल रहता है. एंड इस सरफेस प्लेट को हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट दिस इज यूज फॉर टेस्टिंग द फ्लैटनेस ऑफ वर्क पीस. जैसे तुमने मशीनिंग किया या तुमको कोई जॉब पीस, वर्क पीस दिया गया है. ठीक है. तो वेदर दैट इज फ्लैट और नॉट, यहाँ पे रख के तुम उसको देखोगे कि फ्लैट है कि नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पे तुम यदि कोई चीज, ये जैसे चौक ओक लगा दोगे राइट, और जॉब पीस को रखोगे और देखोगे कि ये उसमें चौक ओक ये हो रहा है कि नहीं, टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके आधार पे. ठीक है. जैसे यहाँ पे चारों ओर चौक लगा दिया, जॉब पीस को यहाँ पे रखोगे, जॉब पीस को रखोगे और कहाँ कहाँ टच किया जॉब पीस में और कहाँ नहीं टच किया. जहाँ टच करेगा तुम समझ जाओगे कि थोड़ा सा एलिवेटेड पार्ट है वो, जहाँ टच नहीं किया वहाँ समझ जाओगे कि वो ये है, मतलब एलिवे मैंने थोड़ा धसा हुआ है. तो यू नीड टू फाइल और मेक इट फ्लैट. ओके. और यदि तुम फिर रखते हो, देखते हो कि इतना जितना एरिया में यहाँ पे चौक लगाए हो और इस पे रख दिया, तो रखने के बाद में तुम्हारा उस जॉब पीस में चारों ओर वो लग गया, कहने का मतलब दैट इज ऑल्सो फ्लैट. ठीक है. तो दिस सरफेस प्लेट इज यूज फॉर टेस्टिंग वेदर दैट जॉब वर्क पीस इज फ्लैट और नॉट. ठीक है. सो इन द नेक्स्ट क्लास वील कंटिन्यू द मेजरिंग टूल्स. ओके. एंड this is all about for today. Sir, attendance. You write your name and roll number in the chat box, that will be taken as considered as attendance. ठीक है. Okay, sir. I will take that your name from and not roll number from that chat box. ठीक है. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.